शहरों से दूर पहाड़ों की ओर। अच्छा नहीं करूंगी इस अननेसेसरी शायरी से बोर, लेट मी टेल यू सम मोर। तो दिल्ली से हम लोग निकले हिमाचल के लिए ऑन अ रोड ट्रिप। इस बार जा रहे थे मंडी डिस्ट्रिक्ट की तरफ। सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं और हम निकले थे रात को 9 बजे। और ये लड़की 9 बजे से 5 बजे तक के बीच में एक बार भी चुप नहीं हुई और ये एक बार भी नहीं सोई। अब मैं आई सोते हुए, बड़ी सड़कें काफी थी मुझे पूरे होश और आवाज में लाने के लिए। पहाड़ और कुत्ते, जिंदगी में ये दोनों चीजें हो तो सोने का सवाल ही नहीं। फाइनली हम प्राशर लेक पर हैं और सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे। इन हाउस एंटरटेनमेंट के बाद वक्त है उस जगह जाने का जिसके लिए यहाँ हम पधारे हैं। कैंप स्टे से सीधा जा रहे हैं प्राशर लेक की तरफ। वैसे तो वॉकिंग करके भी जा सकते थे लेकिन हमको आज का सनसेट विटनेस करना है एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट से जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। सो इसलिए हम गार से जा रहे हैं ताकि हम जल्दी वापस आ सके, वरना इफ यू गेट द चांस एंड इफ यू हैव द टाइम देन तुम लोग वॉक करके ही जाना। भीड़ तो काफी है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो सारे प्राशर लेक आए हुए हैं अपनी गाड़ी वाड़ियाँ लेके। चल। हमको यहाँ पे एक स्कल दिख गया, उठाने का मन नहीं है बट दिखा देती हूँ। Sitting at an altitude of 2500 meter above sea level, that's quite an adrenaline. That's the Prashar Lake behind me and that's the Prashar Temple nearby. After Mahabharat, when Dev, Kamrup and the Pandavas came here, they wanted a place for their deity. So they, looking at the sanctity and the beautiful view of this lake, they got enchanted by it and they decided to settle here for the rest of their lives. There is also this reason behind why this lake is oval shaped. When with Dev, Kamru Nag, Bhim also came along with him and he elbowed this mountain, got this lake in an oval shape. Temple is dedicated to Sage Prashar, the king of Mandi. King Ban Sen got this temple made in 13th century. Temple was actually built by a baby out of this one single deodar tree. अभी हम ऊपर चढ़े हुए थे यहाँ पे और हम एकदम एज पे खड़े हैं दो डिस्ट्रिक्ट्स के, ये है जिपी शेगड़ी और पीछे है जिपी द्योरी, तो और उधर है सारा हमारा प्राशर लेक। कम से कम 14-1500 साल पुराना ये जो है एक छोटे से बच्चे ने, 6 महीने के बच्चे ने बनाया। आगे आगे जो है मकड़ी चलती रही, पीछे से वो बनाता गया। तारानावली करके जो है मेला होता है, 50 देवी देवता यहाँ आते हैं, काशी मेला होता है। इसमें ऋषि पराशर जी का जो रथ है वो बांधी गांव से जो है यहाँ आता है। पुजारीज हाउसेज एंड द मैस। 12 महीने हों, 6 महीने हों, बर्फ पड़े, गर्मी पड़े, बारिश पड़े, सारे पुजारी यहीं पे रहते हैं। वुड बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीस हियर एंड आई थिंक आई गॉट प्रीटी मच ऑफ इट। जो चीज़ पूरी नहीं हुई दैट इज सनसेट। अभी तक मुझे सनसेट नहीं मिला है। अरे 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 अरे, सनसेट भी दिखाते हैं अभी तुम्हें। एक और बहुत ही प्यारी सी जगह जो हमें हमारे बस कैंप साइट के पास ही मिली वो है मध्य, नहीं यार मदेश भैया नाम बताओ, नाम मध्य बझाली। हाँ, तो एक और बहुत प्यारी सी जगह जो हमें अपने कैंप साइट के पास मिली वो है ये स्पॉट जहाँ से एग्जैक्टली आप सनसेट देख सकते हो। 10 मिनट का छोटा सा हाइक है। क्या बात है लड़कियों, हाउ इज द जोश? घंटा? नो मैम, वेरी लो मैम, वेरी लो।
आज मेहनत करी है सबने, पड़ाव को पार करते हुए। तो ये है सुखा सर लेक, एंड ये एक्चुअली इंडिया की शेप की लेक है, एंड दैट इज गुजरात ऑन द वेस्ट, एंड हेयर इज ईस्ट एंड दैट इज नॉर्थ। द डे एंडेड ऑन अ ब्यूटिफुल कैंप साइट। एक और छोटा सा ट्रैक है फ्रॉम आवर कैंप साइट, अ हाइक है टू मजाली टॉप, एंड छोटा सा हाइक है, मतलब बड़ा सा हाइक है, और हम लोग अभी सब एक साथ मिल के जा रहे हैं हाइक करने। चलिए, भैया के हाथ में ये एकदम क्या बोलते हैं इसे, दराटू, हिमाचली में बोलते हैं इसे, मारने वाला जो टूल होता है, उन्होंने ले लिया, और हम तैयार है भालू का सामना करने के लिए, क्योंकि ये घर ही भालू का है, तो हम भालू के घर से होते होते हुए टॉप पर जाएंगे। लड़कियों ने डंडियां ले ली है, सब तैयार है एकदम मजाली टॉप के लिए, एकदम फीलिंग एकदम ऑन द टॉप, हाई ऑन जोश। ऑलमोस्ट हाफ ट्रे डन, हाफ ट्रे, यस, या हाफ ट्रे डन। ये पौधा है खरसू का, और इसमें अखरूट जैसे दाने लगे हुए हैं, ये भालू का चारा है, तो हम भालू के चारे से होते हुए ऊपर आ चुके हैं। अभी हम भालू का सामना करने के लिए एकदम तैयार हैं, कि अभी ऐसे आएगा तो हम खचाक से ऐसे उसको तो नहीं मारेंगे, लेकिन हम उल्टे पाँव भाग जाएंगे बस उसे डराने के लिए। हिम्मत रखोगे तो हाथी का बच्चा पाल पाओगे, हिम्मत नहीं रखोगे तो चूहा नहीं पाल पाएंगे। होने वाला है ये मैया मछोदरी की जो है बॉडी है प्राचरी जी की वाइफ का, जब से ये बॉडी बनाई तब से ये पानी भी गायब। अब हम प्रशासन से भी नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे पहाड़ों में इस तरह की बॉडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर हमें यहाँ पानी मिलता तो हमारा ट्रैकर जितना भी है अभी वर्तमान में चला हुआ है वो यहाँ पानी पी सकता था। कोई भी हाइक हमेशा बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होती है अगर ऐसे व्यूज़ मिल जाएँ तो, इसलिए मतलब हम सब क्रिप करते हैं किसी भी माउंटेन को चढ़ने से पहले, लेकिन जब आप उस पर होते हो और जब आप इतना शानदार व्यू देख लेते हो, देन यू फील लाइक इट वॉज ऑल वर्थ इट। एम आर राइट? ये है मजाली टॉप, और यहाँ से जो है मंडी जिला के विलेजों को तो देखने का मौका मिलता है, लेकिन अन्य जिलों को भी देखने का मौका मिलता है। यहाँ हमीरपुर और बिलासपुर के कुछ एरिया, और इसके बाद कांगड़ा और कुल्लू को बिल्कुल, ये आप इस के ऊपर कुछ भी नहीं है। जाली टॉप हम स्पेशली प्राशर लेक को ऊपर से देखने के लिए आए थे, और अभी हम लोग एग्जैक्टली 14,000 फीट की हाइट पर है, एंड प्राशर इज़ एट अ हाइट ऑफ 10,000 फीट। सो कल तो हम प्राशर हुआ आए थे, बट आज हमने प्राशर को ऊपर से भी देख लिया। ट्रिप बहुत छोटी थी मगर एकदम यादगार। जी ने हमें प्रॉमिस करा था कि वो और कुछ दिखाए ना दिखाएं, भालू का घर जरूर दिखाएंगे, और ये रहा भालू का घर। इसमें भालू है कि नहीं अभी कुछ पता नहीं, हमारे बोलते बोलते भी निकल आ सकता है ना। और ये 6 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। 6 किलोमीटर की लंबी सुरंग? हाँ जी, 6 किलोमीटर। हाँ जी, किसने बनाई है इतनी लंबी? ये बनाई नहीं है, इसमें एक बार गधी का, भेड़ पालक का जो है बकरी का बच्चा अंदर गया था, तो जब उसका जो 10 दिन के बाद वो वहाँ जो है अपना आवाज करने शुरू कर दिया, उन्होंने 6 किलोमीटर नीचे मुलगाड वैली जिसका नाम है, फिर वहाँ से उसको निकाला गया है। अच्छा, अब इसका पता लग चला कि 6 किलोमीटर के करीबन की है ये।
आज हम यहाँ पे पौधा लगा रहे हैं पहाड़ों पे, मंडी के पहाड़ों पे प्राचीन लेक के पास पौधा लगा रहे हैं। और हमारा जो कैंप साइट है इको कैंप स्टे, उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो जैसे ही टूरिस्ट लोग आते हैं उनसे पौधे लगवाते हैं। ये देवी देवताओं के टेंपल में जाने का मौका मिलेगा उसमें देंगे हम। शहर की ओर फिर से निकलने से पहले एक आखिरी पहाड़ी सनसेट तो बनता है। अपना लास्ट सनसेट फिटनेस करा और कैसी रही ट्रिप? बेमिसाल, लाजवाब, लविंग इट, सुपर, ऑसम, सुपर एंड सोने को बहुत बहुत ज़्यादा चौकास्टिक। हाँ, मैं बहुत सोई थी, चल रही थी तेरे अंदर का पहाड़ी जाग रहा था। हाँ, मैं एक्चुअली बचपन में की थोड़ी सी की थी, बट अभी मेरे को अभी वो वाला फील वापस आया। आई थिंक आरती को छोड़ के सबको मजा आया होगा। अभी पूछती हूँ उससे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आरती को स्पोर्ट्स दिलवाएंगे और वार्म क्लोथ तो है उसके और उसके नालायक दोस्त के साथ नहीं लेके जाएंगे। ये लड़की बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन इसने अपनी बेस्ट ट्रिप माउंटेन वैली कैसी रही? अब ये पहली नहीं रह जाएगी, आगे बहुत आने वाली। हेलो फ्रेंड्स, मैगी खा लो। ओके, आई गेस विदा लेने का समय आ गया है। गॉश, आई एम सो बैड एट दिस। द ईपी एक्सप्लोरर, यस, खज्जल खोजी। Okay, see you soon then. साथे आयो तेरी याद, फोटो रह गया तेरे कमरे। बुरी चलनी पर बुरी नहीं चलनी। आयो तेरी याद, मजाली टॉप। ओ देखते देखते आयो तेरी याद, फोटो रह गया तेरे कमरे। बस इच आयो तेरी याद। ये यहाँ की लोकल है और कैंप साइट के ओनर भी है, तो इनको यहाँ की सारी जड़ी बूटी के बारे में पता है। इन्होंने हमें अजवाइन दिखाई, चाचर दिखाया जिससे आप दांत साफ कर सकते हो, एक आप जिसमें घी बनाते हो उससे मटका जिससे साफ कर सकते हो वो भी दिखाया। तो मतलब सब कुछ है यहाँ पे, आपको वॉशिंग पाउडर तक की जरूरत नहीं है। लाइफ इज सो नेचुरल एंड प्योर। अभी ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं करना ये नहीं करना, बट जब तुम एक बार टॉप पे पहुँचोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि क्या ही पा लिया दुनिया में, पता नहीं। हाय निहारिका, हाय।